जाएंगी। और हमारे बीच में सिस्टर एनिक्विटी सैमुएल है, मैं उनका वेलकम करता हूँ। वो अपनी आवाज में प्रभु की महिमा करते हुए, गीत गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। वेलकम सिस्टर जी। सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मुझे आज नया साल में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। पिछले साल में परमेश्वर का अद्भुत कार्य को मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया। आगे भी सेवकाई में उपयोग होने के लिए आप सब लोग का प्रार्थना मैं मांगती हूँ। धन्यवाद। आवाज उड़ाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उड़ाएंगे संसार के, तुम तेरे नाम में चांद सितारों में, ए आप जो तेरा ही संसार के, तुम तेरे गाँव में धन्यवाद। रू जो तेरा ही चांद सितारों में, ए आप जो तेरा ही महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ये यीशु महान अपना ये सुनाएंगे, ये यीशु महान अपना ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम सब बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये सुनाएंगे, ये यीशु महान अपना ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे दिल तेरा खजाना है, एक बार मुगौत का सदा कोई सागर है उल्फत का, दिल तेरा खजाना है, एक बार मुगौत का तापन सदा कोई सागर तुल्फत का, हम तेरी मुहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ए यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, ए यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम सब बजाएंगे, ए यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, ए यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे ना देख सलाम को, तो पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सलाम को तो पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, मुक्ति का तो दादा है हम सबको बताएंगे, ए यीशु महान अपना
गे सुना हे यीशु महा नपना गे सुना हे गे आवाज उड़ा एंगे हम साथ बजा एंगे ए यीशु महा नपना एंगे सुना एंगे ए यीशु महा नपना एंगे सुना एंगे आवा जुड़ाएंगे थैंक यू सिस्टर जी, आपके सुरील आवाज ने जो परमेश्वर की आराधना आपने की है, जो गीत गाया है, प्रभु ने उसे आशीर्षित किया है, प्रभु की महिमा के लिए आपने जो गीत गाया वो प्रभु ने उसे आशीषित किया है, आपको धन्यवाद देते हैं। आइए सुख हम वचन की ओर जाएंगे और प्रभु का कलाम आज हमसे क्या बात करता है यह हम सुनेंगे। हम अपना कान खुला रख के आज का वचन सुनेंगे, क्योंकि आज का वचन हम सभी के लिए एक आशीष का कारण होने वाला है। आज का वचन हमारे उन्नति के लिए हमें एक कारण होने वाला है। इसीलिए हम अपना तन मन लगा के हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे और हमारे बीच में पास्टर डब्ल्यू सैमुएल है बड़ौदा से, और मैं उनसे विनती करता हूँ कि आके हमारे बीच में प्रभु का वचन बोए। आगे का समय मैं पास्टर बाबू सैमुएल के हाथ में देता हूँ। वेलकम पास्टर जी, आपका स्वागत है अपना परिलैंड में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हमारे हाथ पूंजा कर हमारे जीवित परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 धन्यवाद। सारे प्रिय जनों को, प्रभु के प्रिय दासों को, सारे विश्वासी गणों को मैं यीशु मसीह के नाम से वंदना करता हूँ। खास तौर पर आज का संगति को चलाने वाला प्रभु का प्रिय दास और परिवार के लिए हम धन्यवाद करते। बहुत अच्छी तरीका से, अच्छी रीति से प्रभु का दास ने इस सभा को चलाया है और दिल से इनके सेवा करता है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन का संचालक प्रभु का प्रिय दास साजन और प्रभु का प्रिय दास विजय सिस्टर और बाकी सारे सगा संबंधी जो है, प्यारी मम्मी है, बच्चे हैं और बाकी भाई बहन है। खास तौर पर प्रभु का आदरणीय दास पास्टर कुरियन चरियान है, परिवार दासी और बच्चे हैं और हर एक विश्वास जन जो इस प्रेयर लाइन में साथ देते हैं, आप सबको मैं यीशु मसीह के नाम से वंदना करता हूं और आशा करता हूं कि प्रभु आपको और आप हरेकों को आशीष और अनुग्रह दे प्रभु की महिमा के लिए और आगे चलाए। आपका परिवार को भी आशीष दे, जो भी प्रार्थना विषय है प्रभु पूरा करे, जो भी समस्या है वो दूर करे और जो आपका जरूरत है वो प्रभु पूरा कर आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी अपना साक्षी इस प्रकार सुनाना चाहूंगा कि हम जैसे आप सब लोग हमारा एक कुटुंब का संबंध में, कुटुंबिक संबंध में आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं साजन विजय सिस्टर और इस प्रेयर लाइन बहुत हमारा ख्याल रखते हैं और हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं। इस कारण से आज हम भी जिंदे हैं। हम आपसे बहुत आभार हैं, प्रेयर लाइन से हम बहुत आभार है प्रभु, हमें इस प्रेयर लाइन को यीशु मसीह का आगमन तक आगे ले चले। मेरी बहन यूएस से सफर कर यहाँ पर केरला में पहुंच गई और हम भी गुजरात से सफर कर यहाँ पर पहुंच गए और हम सब प्रभु की दया से अच्छे हैं और सफर का जो कमी खट्टी कमजोरी तो है और मामा भी कमजोरी थी, लेकिन प्रभु ने बचा लिया, इसके लिए हमें सहायता किया, धन्यवाद करते। खास तौर पर आपने सुना है मेरी पत्नी आनी कुटी बाबू को आज 63 साल 63 साल पूरा हो गया। आपने आज तक जिंदा रखा, प्रभु ने जिंदा रखा, इन सारे उपकारों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ने मुझे ऐसा एक मौका दिया था, इसलिए मुझे बॉम्बे जाना पड़ा बीच में 2 दिन के लिए। वहां पर एक शादी में
अंग्रेजी में प्रचार करने के लिए हमारे संस्था के एक पास मान आमंत्रण दिया। उनका बेटा का शादी था, बेटी यूएस का है इसलिए और जाना पड़ा। उन्होंने हमारे सेवगाई सहयोग मांगा तो मैं जाके और वहां पर आराधना भी कर कर वापस लौटने के लिए प्रभु ने मदद किया। कल रात को 11 बजे के बाद घर पे आया, 12 बजे के बाद सोया और प्रभु सुबह जगाया और आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। इन सारे उपकारों को भी मैं धन्यवाद के साथ याद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की दया और करुणा बिना मैं और आप एक कदम भी रख नहीं पाएगा। इसलिए हमारे जीवन में आगे कदम बढ़ाने के लिए मदद करने वाला परमेश्वर को सारी महिमा और जलाल देता हूँ। हमेशा हमेशा मैं स्तुति करना चाहता हूँ। जैसे ट्रेन में जा गया आया और उसमें बैठे बैठे प्रभु को स्तुति जितना कर सकता था उतना करने के लिए प्रभु ने अवसर दिलाया, क्योंकि ये तो मेरे जीवन के सबसे बड़ा खुशी और आनंद का समय है प्रभु को स्तुति करना। इसलिए आज सुबह भी उठा, फिर संगति में जुड़ा, धन्यवाद करते हुए अभी प्रभु के चरणों पर बैठा हूँ। जैसे प्रभु के प्रियदास ने याद दिलाया, वचन सुनना भी हमारे बहुत आशीष का कारण है, आनंद का कारण है। आमीन। और आज जो कल पवित्र आत्मा मुझे परसों याद दिलाया हुआ वचन मैं आपको याद दिलाऊंगा, सुनाऊंगा, वो है यशायाह नबी का पुस्तक 45 अध्याय का 22 वचन में से। हालेलुया। और उस संदेश जो पवित्र आत्मा दिल में दिया था उसको थोड़ा सा आपके सामने सेवा करना और बांटना चाहता हूँ। वो वचन इस प्रकार है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तो मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुंह से यह वचन निकला है और वह नहीं ठहलेगा। प्रत्येक प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुंह से मेरी ही शब्द खाई जाएगी। आमीन। हम सब सुना हुआ एक वचन है, जाने वाला वचन है, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे दिल में बात करते समय हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी आशीष पाते हैं, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाते हैं। जैसे मैं रविवार सुबह प्रार्थना करते समय एक ये वचन इस प्रकार, मतलब ये इस प्रकार का एक संदेश मेरे दिल के अंदर पवित्र आत्मा दिया या डाला कि इसका विषय इस प्रकार है, परमेश्वर से मूड कर जाने वाले लोग और ढूंढ कर आने वाला परमेश्वर, परमेश्वर को छोड़कर मूडने वाले लोग और लोगों को ढूंढने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये तो मुझे बहुत स्पर्श किया। आज आमीन। हम अपना अपना स्थान पर किस प्रकार रह करके मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर तो जानते हैं। हमारा हर दिन का जीवन में हमको परमेश्वर के नजदीक आना है, उनके चेहरा पर देखना है, उनका चेहरा ढूंढना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम हर दिन हर समय उनके सामने रहे, आमने सामने देखकर बैठकर हमें जीवन बिताकर आगे बढ़े। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी कौन किस प्रकार है करके और कोई इंसान नहीं जानते हैं। हालेलुया। लेकिन एक बात सच है, परमेश्वर की इच्छा है हम उनको ढूंढते रहे, चेहरा को देखते रहे। और दुनिया का एक ऐसा हालत है, अवस्था है कि परमेश्वर का चेहरा देखना छोड़कर, मुख को देखना छोड़कर थोड़ा थोड़ा दुनिया में जाना है, क्योंकि दुनिया की बात जो है, दुनिया का जो जो क्या भलाइयां है, दुनिया का जो सुविधाएं है
वो सब हमें परमेश्वर से दूर करने वाली एक अवस्था में ले जाएगा, और इस प्रकार की अवस्था है। हालेलुया। और उतना में क्या है, थोड़ा थोड़ा हम परमेश्वर का जो रास्ता है उनके ओर आमने सामने देखने का अवस्था है, उसमें से अलग तो हो सकता है, हो गया करके मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन होने का संभावना है। हालेलुया। जैसे कि देखिए डिग्री के हिसाब से देखेगा तो हमें हम तो जो राइट डायरेक्शन में सही दिशा में हम जाएगा तो हम पर बिल्कुल उनके सामने आमने देखेगा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हम टेढ़ होगा, अलग होगा, दूर होगा, तो 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, फिर उसमें 30 डिग्री होने से बिल्कुल हम उल्टा हो जाता है। इसमें आदम हवा का जीवन हमें हम देखते हैं कि बिल्कुल 30 डिग्री वो उल्टा हो गया। हालेलुया। और प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि उत्पत्ति 3:8 में हमें दिन के ठंडे के समय पर परमेश्वर हमें बगीचा में बारी में उतर कर आया। हालेलुया। उतर आया और आदम को देखा, ढूंढा, लेकिन जैसे हर दिन आते थे उस दिन उसने नहीं आया, उन दोनों नहीं आया। हालेलुया। अभी देखिए परमेश्वर ने फिर उसको पुकारा, उनको पुकारा, ए आदम तू कहां पर है। हमें मेरे प्यारो, आज हमारा जीवन इस प्रकार का तो नहीं होगा शायद, जैसे कि हमने मना किया हुआ फल नहीं खाते होंगे, लेकिन एक बात याद रखना, हमारा हरेक आत्मिक जीवन से हम रह जाता है तो, कम हो जाता है तो, हालेलुया, एक प्रकार का हम अलग होने का, टेढ़ा होने का संभावना तो है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारो, इस प्रकार का कोई अवस्था हमारे जीवन में है तो परमेश्वर दुखी है करके जाना है हमें। हमारा प्रार्थना जीवन थोड़ा कम हो गया तो परमेश्वर दुखी हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ये चाहता है हम उनका चेहरा देखे, वह हमारा चेहरा पे भी देखे। हालेलुया। और हमको मालूम है कोई भी व्यक्ति आपके सामने आया, प्रेज द लॉर्ड भी बोलता है, लेकिन चेहरा उल्टा करता है या क्या दूर करता है, हमें टेढ़ा करता है, तो आपको भी पता चलेगा कि इसका दिल मेरे साथ जुड़ा नहीं है। कोई भी कुछ कड़वापन अंदर होगा, कुछ कारण तो होगा, इस कारण से लोग क्या है, हमें प्रेज द लॉर्ड भी बोलेगा और चेहरा को थोड़ा जरा सा दूर रखकर करेगा, तो इसका कारण कुछ गड़बड़ है। इसी प्रकार मैं और आप जब प्रभु के चरणों पर आते समय, हालेलुया, हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा हालेलुया रास्ता जो प्रभु के साथ है वो बराबर रखना प्रभु की इच्छा है। आदम हवा के जीवन में जो समस्या आया था वो दूर चला गया, हम शायद दूर नहीं हो गए, लेकिन कितना दूर है वो एक बात है, जितना हम प्रार्थना करना है, जितना आराधना करना है वो नहीं किया तो भी एक प्रकार का एक कमी हो जाता है, घटी हो जाता है, पाप हो जाता है, और ये भी हमारा जीवन को, सेवा जितना करना है वो नहीं किया तो भी एक कमी हो जाता है, इतना हमें परमेश्वर के समूह से दूर करते हैं। प्रभु का दास ने जो प्रार्थना में कितनी सारी बातों को बताया, नाश होने वाले आत्मा के संबंध में, आज के जमाने में लोगों के दिल में बहुत कम भोज होती है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हुआ परमेश्वर हमारा परमेश्वर। लूका 19:10 में हमें जकाई के जीवन के संबंध में हम देखते हैं। हालेलुया। ये बोलने से पहले मैं पवित्र आत्मा जो याद दिलाया हुआ बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जैसे कि उड़ाव पुत्र के बारे में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि वो अपना पिताजी के घर पे आराम से रहता था, आनंद के साथ रहता था, लेकिन वहां पर रहते हुए भी उसका मन क्या है, दुनिया के साथ था। उसने मन में ऐसा सोचा, अरे मेरा पिताजी के घर पे रहने से, उनके चेहरा देखकर बैठने से, उनके संगति में रहने से भी अच्छा है मैं दुनिया में जाना, क्योंकि वहां पर मुझे आजादी है, मर्जी से जी सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार
आगे बढ़ सकता, इसलिए उसने निर्णय लिया। इतिहास हम जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन उसने गया अपनी मर्जी से, सब कुछ उसने बर्बाद किया, आखिर में ऐसा परेशानी में आ गया कि वो सब कुछ उसको नष्ट हो गया। मेरे प्यारो, परमेश्वर का हाजिरी के आनंद अनुभव करने वाले लोग, वो भी कभी ऐसा मन में सोचने का संभावना है, इससे अच्छा है दुनिया। आज का जमाना मोबाइल का जमाना है, और हालेलुया इंटरनेट का, हर एक दुनियादारी सुविधाओं का जमाना है। लोगों के मन के अंदर कभी भी ऐसे इच्छा और विचार आ सकती है कि इससे अच्छा है इसी, इन सारे बात मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि हमारा परमेश्वर के संगति से बढ़कर आपको कुछ अच्छा लगता है तो एक कतरा है, वो एक हालेलुया एक बहुत बड़ा एक गलती है करके समझने वाले प्यारों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, इसका वरन जो लोग परमेश्वर के हाजिरी को, परमेश्वर की हाजिरी को सबसे श्रेष्ठ जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, आप धन्य है मेरे प्यारो। हाल लेकिन एक बात है कि जब उसके उड़ाव पुत्र के जीवन में उसका हमें उसका बुद्धि आया, हमें उसका बोध आया, हालेलुया विवेक आया, उसने सोचा अरे मैं यहां रवि परेशानी में हूँ, दुख में हूँ, संकट में है, खाने के लिए भी बराबर नहीं है, मैं उठकर मेरे पिताजी के घर पे वापस लौटूंगा। हालेलुया, ये सबसे एक अच्छी बात है, जो कोई हमें जरा सा भी दूर हो गया तो प्रार्थना जीवन से, वचन का मनादि से, आराधना से, हाल संकति से हमें दूर हो गया तो हालेलुया हम वापस लौटना परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा लगता है, उनकी इच्छा है हम उनके चेहरा देखकर जीवन बिताए। इसका अर्थ ये भी नहीं हम दुनिया में कोई दूसरा काम में नहीं लगे, हमारा खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारा नजर उनके ऊपर है। दुनिया में हम जाते हैं लेकिन दुनियादारी बनते नहीं है, दुनिया का कोई अवस्था हमारे दिल को छूना या हमें उसको चिन्हने नहीं देना, वरन हमारा लक्ष्य है आगे प्रभु को देखकर बढ़ना, उनके संगति में रहना। ये वापस आया पिताजी को बहुत अच्छा लगा, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर भी इस प्रकार है। हालेलुया, हमें ढूंढ कर आने वाला परमेश्वर हमारे घर पे आएगा वो। हालेलुया, जैसे उस गाय को कहा था आज मैं तेरे घर पे रहना चाहता हूँ। हालेलुया, और गुलर का पेड़ के बीच में से उसको उतार कर, हालेलुया उतरवा कर उसके घर पे रहने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए चाहा हुआ हमारा यीशु प्रभु परमेश्वर आज मेरे और आपके घर पे रहकर हमें अगुवाई करना चाहता है। हालेलुया मेरे प्यारो, इस प्रकार हम आगे बढ़ेगा तो हमारा क्या क्या आशीष है करके हम जानते हैं, वो आज पवित्र आत्मा मुझे खास सिखाया कि हालेलुया जो वचन हमने पढ़ा था हमें यशया नबी 45 अध्याय का 22 और 23 वचन में हम देखते हैं कि एक है परमेश्वर के, हालेलुया, और देखने से परमेश्वर का वचन हमारे पास आएगा। हमें अभी आपने परमेश्वर का चेहरा देखा, देखते समय चेहरा कैसे पता चलेगा मैं परमेश्वर का चेहरा देख रहा हूं करके, बस यही पवित्र आत्मा आज मुझे और बात किया। हालेलुया, हर एक वचन जो हम मनन करेगा तो हर एक दिन नया नया अनुभव देने वाला पवित्र आत्मा जीवित वचन को हमारे अंदर जिंदा रखेगा और वो हमारे अंदर हालेलुया उगेगा, बढ़ेगा, फल लाएगा करके हम जानते हैं। हालेलुया, आज हर रोज जब हम परमेश्वर के चेहरा देखकर प्रार्थना में बैठते समय हमें, आपको कैसे पता चलेगा परमेश्वर आपको भी देख रहा है, हाँ ये पता करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया रेबा शदर विखलबा, केवल ऐसा कोई बोला देखना है मैं देखता हूं करके बोलना, इतना भी नहीं। आप यदि परमेश्वर का चेहरा देखकर रोज आगे बढ़ेगा तो आपको कुछ अनुभव जरूर प्रभु देगा। हमें उनका पूरा सृष्टि उनके ओर देखना प्रभु की इच्छा है, इसलिए यहां पर कोई एक देश के लोगों को नहीं बुलाया। हाल एक
हमें एक संस्था के लोगों को नहीं बुलाया, एक जाति के लोगों को नहीं बुलाया, एक कुल के लोगों को नहीं बुलाया, पूरा हालिया पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों तो मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया परमेश्वर के चेहरा देखने से थोड़ा सा हम अलग हो गया तो हम मुड़ता है, हम मुड़ कर जा रहा है, फिर हमको क्या है दोबारा मुड़ना पड़ेगा। इसको मन फिराव बोलता है। आपने जरूर सुना होगा प्रभु के दास लोग रोज हमको बताता है रोज मन फिराना है। हालेलुया। अब जैसे हमारा कोई भी गलती आया परमेश्वर से बढ़कर कोई भी बात को कोई भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु को हालेलुया आपने महत्व दिया प्रथम स्थान दिया तो याद रखिए आप मैं और आप परमेश्वर से दूर चला जाता है। लेकिन जरूर ये चाहिए कि हमें वापस लौटना है। इसके लिए क्या रास्ता है कौन सा रास्ता है वचन के द्वारा मन फिराकर हमको वापस हमें लौटना है फिरना है। हल इसको मन फिराओ बोलता है। जो लोग मन फिराकर प्रभु के ओर देखेगा आपको प्रभु कुछ न कुछ बेंड देगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कौन सा बेंड देगा सबसे पहले मैं विश्वास करता हूं एक संदेश वचन के द्वारा आपको दिल आएगा। मेरे प्यारो मैं आप जैसे बोले रविवार को मेरा दिल इतना खुश हो गया कि जैसे प्रार्थना में बैठते समय ये शब्द हालेलुया परमेश्वर को छोड़कर मुड़ कर जाने वाले लोग और लोगों को ढूंढ कर आने वाला परमेश्वर मेरा दिल को बहुत आनंद दिलाया। बस उस दिन हालेलुया फिर वापस लौटने के लिए भी लोगों को हालेलुया संदेश सुनाने के लिए पवित्र आत्मा सहायता किया। मेरे प्यारो आजकल लोग कभी संगति में बैठते हैं मुंह नहीं खोलते हैं, प्रार्थना जितना चाहिए उतना नहीं करते हैं, आराधना जितना प्रभु को देना है करता नहीं है और जितना करते हैं उसमें संतुष्ट हो जाता है संतृप्त हो जाता है, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होता है। वचन का मनादी हो सेवगाई हो मैं आपसे आज पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रकार का संदेश सुनाना चाहता हूं कि जो लोग परमेश्वर को आमने सामने देखते हैं आपके जीवन में जैसे प्रभु का दास ने अगुवाई के समय पर सुनाया कि उन्नति आना चाहिए बढ़ोतरी आना चाहिए हालेलुया प्रोग्रेस आना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए। वचन का सेवगाई में हो प्रार्थना जीवन में हो आराधना में हो हालेलुया हम अल अमीन और आगे बढ़ना है मेरे प्यारों। और इस प्रकार बढ़ने से आपका जीवन बिल्कुल दूसरों के लिए केवल आपके लिए नहीं आपके परिवार के लिए नहीं आपके संगति के लिए नहीं औरों के लिए भी आशीष का कारण बनाने वाला हमारा परमेश्वर चिंता है। हालेलुया परमेश्वर के वचन हमें हमें दिया जाता है वो हमें दूसरा भाषा में हमारा मलयालम भाषा में हालेलुया और वो स्पष्ट में बताया गया है। एक एक दिन हमें एक वचन मिला तो हम कितना खुश हो जाता है। इतना खुशी दुनिया में कोई भी वस्तु से कोई भी व्यक्ति से नहीं मिलने वाला क्योंकि वचन मीठा है मथु से हालेलुया मीठा है करके हम जानता है मेरे प्यारों अनुभवी करते हैं। ऐसे अनुभवी लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। दूसरी एक बात है परमेश्वर जो वचन मैंने पढ़ा वही बता रहा था कि परमेश्वर का परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर का धार्मिकता मुझे और आपको अनुभव होने के लिए कारण हो जाएगा। हालेलुया परमेश्वर का धार्मिकता हमारे लिए अनुभव होने के लिए कारण हो जाएगा। हालेलुया। अभी देखिए हमारा भाषा में लिखा है परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन और धार्मिकता। हालेलुया। अभी आपके जीवन में आज तक परमेश्वर का धार्मिकता का अनुभव नहीं हुआ है तो आप समस्या में है तो संकट में है तो हमें चिंता में है तो दुख में है तो आज मेरा परमेश्वर आप उनका धार्मिकता आपके लिए दिखा कर आपको आशीष दिलाने वाला परमेश्वर है। आपका समस्या को हटाने वाला परमेश्वर है दूर कराने वाला परमेश्वर है। हमें इसलिए हालेलुया आज मैं इस प्रकार आपको हमें प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के आमने सामने देखकर कदम बढ़ाइए। परमेश्वर का वचन आप सुनते रहेगा संदेश सुनते रहेगा
आपका जीवन में इतना शांति पाएगा कि आप दूसरों के लिए भी बांटने वाला बन जाएगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये भी है कि हम परमेश्वर का सेवा के लिए हम तैयार हो जाएगा। जैसे कि एक दृष्टांत पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया, सब बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन मैं एक एक हमें इस प्रकार जल्दी समाप्त बताऊंगा क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है। हालेलुया। और पत्रस ने एक दिन ऐसा सोचा कि आज मैं सेवा सेवा बोलकर रहने से क्या फायदा है, दूसरा कुछ काम करूंगा क्योंकि मेरा आशा सब खत्म हो गया, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। मैं सोचा यीशु मसीह राजा बनकर रहूंगा रहेगा और मैं तो मंत्री बनूंगा, लेकिन आशा निराश होने से लोग दुनिया का काम में, दुनिया का बातों में लग जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन याद रखना, पत्रस भी यीशु मसीह के ओर देखने का हमें छोड़ दिया और थोड़ा सा अलग हो गया, दुनिया की बातों में लग गया और अपना पुराना काम में लग गया। पूरा रात उसने मेहनत किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक बात याद रखिए, यदि परमेश्वर रास्ता बंद करेगा कोई खोलेगा ही नहीं, हाले खोल नहीं पाएगा। परमेश्वर खोलेगा तो कोई बंद भी नहीं कर पाएगा। हाले लिया, इस प्रकार का अधिकार पाया हुआ हमारा यीशु प्रभु हमारे साथ है तो हम उनको छोड़कर कहां भागेगा, कहीं नहीं भाग पाएगा। हालेलुया। और वहां पर हम देखते हैं कि पत्रस ने अपने गलती को जब कबूल किया, पूरा रात मेहनत किया कुछ भी नहीं मिला करके, हालेलुया, उसने अपने गलती को कबूल किया, मेरा परमेश्वर ने उनको अच्छा सलाह दिया अपना जाल, हालेलुया, बिछाने के लिए उसने आमेन, पर प्रभु ने उनको अगुवाई किया और उनका जो सुखापन, हालेलुया, कालीपन हमें सब खत्म हो गया। आज मैं, मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, प्रार्थना से यदि आत्मिक जीवन से थोड़ा सा भी रह गया तो, विश्वास से, योग्यता से रह गया तो भी हमें वापस आना है। छोटी मोटी गलती करने से कौन जानेगा क्या होने वाला है, करके सोचना भी एक बहुत बड़ा गुना है। एक शब्द झूठ बोलेगा तो भी इतना असर हमारे आत्मिक जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा मेरे प्यारो, इतना आशीष का नुकसान होगा, इतना यीशु प्रभु का चेहरा हमारे लिए दूर रहेगा, हम दूर हो जाएगा। इसलिए छोटी मोटी बातों में भी हम विश्वास से योग्य रहकर यीशु का चेहरा को देखकर आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले मेरा प्रभु आपको आत्मिक आशीषों से भरपूर करेगा, माला माल करेगा, आत्मिक उन्नति से माला माल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना भी नहीं, हम जानते हैं, हमें भजन संहिता 17 अध्याय का आखिरी वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का चेहरा देखकर हम संतुष्ट हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा करके हम जानते हैं। आजकल हमें लोगों के पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन संतुष्टि नहीं है, संतृप्त नहीं है, संतृप्ति नहीं है। लेकिन प्रभु का दास ने क्या बोला है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जरा सा सुनिए। हालेलुया, भजन संहिता 17 अध्याय का आखिरी वचन में इस प्रकार लिखा है कि परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। प्रभु का स्वरूप आप देखने से हमें संतुष्टि मिलने वाला है। हालेलुया। और दुनिया में आप कहीं भी ढूंढो जाओ, संतुष्टि मिलने वाला नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर के ओर से मुझे और आपको संतुष्टि दिया जाता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक खासियत है, एक खूबियत है, करके जाने वाले लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और भजन संहिता 65 में लिखा है कि हालेलुया, और हम परमेश्वर के नदी से पीकर संतुष्ट हो जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा भी हम संतुष्ट होने वाला है। आज सुबह केवल हम हालेलुया प्रार्थना कर समाप्त करने वाला ना बने, वर आत्मा के द्वारा भी भरपूर होकर, जैसे प्रभु के कुछ दास लोग आत्मा में प्रार्थना शुरू किया, मुझे अच्छा लगा, ऐसे हरेक व्यक्ति विश्वासी हो या हमें पासमान हो, हम आत्मा का नदी जो पवित्र आत्मा की नदी है उसमें से पीकर संतुष्ट होना है।
एक और शब्द बोलकर मैं इस प्रकार समाप्त करूंगा। मेरे प्यारो, हम यीशु मसीह के चेहरा देखने से चेहरा हमको दिखाई देगा, प्रभु जरूर दिखाई देगा। हालेलुया, किस प्रकार दिखाई देगा? पवित्र वचन हमको दिलाते हुए, पवित्र संदेश दिलाते हुए। इतना भी नहीं, हमारे जीवन में कुछ धार्मिकता पूरा होने के लिए रह गया है तो वो बराबर परमेश्वर ने हाल धार्मिकता पूरा करने वाला है। वो क्योंकि वो धर्मी है, अपना काम धर्म के साथ करने वाला है करके हम जानते हैं। हालेलुया, इतना भी नहीं, हमने सुना पवित्र आत्मा के द्वारा और उनका चेहरा से मिलने वाला संतुष्टि हमको जरूर दिया जाएगा। और तीसरा अध्याय का 19वां वचन हम जानते हैं कि हम मन फिराकर पीछे हमें मुड़ेगा तो देखेगा तो परमेश्वर का हालेलुया और आएगा तो प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आमेन। परमेश्वर के सम्मुख से विश्रांति के दिन आएगा। अभी मेरे सुनने वाले प्रभु के दासों, प्रभु के लोगों, शायद आपके पास कमी होगा, घटी होगा, दुख की अवस्था होगा, हमें संघर्ष की अवस्था होगा, लेकिन मैं आपको पक्का हालेलुया बताऊंगा, 100% मेरा परमेश्वर अपना सम्मुख से, अपने तरफ से, स्वर्ग से, अपने ओर से विश्रांति के दिन आपके लिए भेजने वाला परमेश्वर है। हम सबों के जीवन में हालेलुया दुख की अवस्था तो है, आया भी थे, और उसमें से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, कई बातों में हमें मदद किया, बाकी भी है करके हम जानते हैं, तो हम पूरा पूरा विश्वास करते, आज नहीं तो कल हमारा परमेश्वर हमारा समस्या को हटाकर हमें विश्रांति हालेलुया दिलाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वचन में सब प्रभु के दास लोग अपना अनुभव से बताए हुए बात है, हम देखते हैं कि जो कोई उनके और देखते हैं, उनका चेहरा पर देखते हैं, उनका चेहरा कभी काला ना होगा। मैं आपको इस प्रकार बोलकर समाप्त करूंगा, जो कोई परमेश्वर के सामने आकर उनके चेहरा को ढूंढ कर देखने वाले हैं, हाल अपना गलती को कबूल कर हमें देखने वाले हैं, आप कभी लज्जित ना होगा, आपका हमें आराम और विश्रांति मेरा प्रभु एक दिन जरूर भेजने वाला है, देने वाला है, लाने वाला है करके समझकर हमारा जीवन में सबसे मुख्य बात, हम सुबह उठकर मोबाइल में भी देख सकता है, वो नीचे देखने की बात है, लेकिन हम ऊपर की ओर देखेंगे प्रार्थना में, आराधना में, कितना समय हो सकता है उतना समय जरूर हम देखेंगे। हाल उसके लिए कोई बहाना नहीं बोलना है, वचन का मनादी के लिए हमें हरेक बातों के लिए परमेश्वर के समूह में बैठकर जीवन बिताने वाले मेरे प्रिय जनों, यदि आपका जीवन में कोई प्रकार का समस्या और कमी खट्टी संघर्ष है तो याद रखिए, मेरा परमेश्वर आपके ओर देखने से, उनका चेहरा आपके लिए दिखाने से, उठाकर दिखाने से आपका समस्या हमें जैसे धूप में हालेलुया बर्फ पिघल जाता है, हाल इसी प्रकार समस्या भी जरूर पिघल जाएगा और आप विश्रांति पाएगा। इस प्रकार का एक आनंद के साथ हमें दुख से हालेलुया बचाते हुए आगे जीने के लिए, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करें। पत्रस के समान हम भी कभी सोचेंगे क्या फायदा है, क्या जरूरत है इतना हालेलुया यीशु बोलकर उसके पीछे जाना, सेवा में समय बिगाड़ना, ये तो समय निकालने का बिगाड़ने का काम है। नहीं प्यारो, आप और मैं जो भी करेगा, मेरा परमेश्वर अपना धार्मिकता को पूरा करते हुए समय पर विश्रांति का दिन समय दिलाने वाला है। और हम गाते हैं, वो किसी का कर्जदार नहीं है, किसी का कर्जदार नहीं है। आप एक ट्रैक्ट बांटा तो उसका फायदा है, एक घंटा प्रार्थना में बैठा तो उसका फलाई जरूर मिलेगा, और जो भी सेवा करते हैं आज नहीं तो कल उसका अनुभव पाकर मेरे परमेश्वर आपको विश्रांति दिलाकर आगे बढ़ाने वाला है। इस सच्चा खुदा को पीछा करते हुए आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष के साथ अंत तक ले जाएगा। इस वचन के द्वारा हमारा भी जीवन में परमेश्वर का अगुवाई आशीष हर रोज प्राप्त कर उनका चेहरा देखकर अंत तक जीने के लिए परमेश्वर सहायता करने
करें। यही प्रार्थना के साथ आपका प्रार्थना विनती, आपके प्रार्थना के लिए विनती करते हुए मेरा शब्द में समाप्त करता हूँ। और एक बार प्रिय आदरणीय प्रभु के दासी दासों के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दें। साजन ब्रदर, विजय सिस्टर, कुरियन श्रेयन पास्टर, दासी सब प्यारे बच्चे, विश्वासी गण, सबको यीशु मसीह के नाम से वंदना करता हूँ। प्रभु सबको आशीष दें। आमेन। थैंक यू पास्टर जी, बहुत अच्छे वचन।